हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो के जो कि एएसपी एक्सटेंडेड का 7.1 ऑफिशियल एंड्रॉयड 10 रोम है उसका न्यू अपडेट आ गया है। और इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बग्स थे फिक्स किए गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा और साथ साथ न्यू फीचर्स यहाँ पे जो भी आए हैं फुल रिव्यू मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे अबाउट फोन में, तो यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 10 हमें देखने को मिल जाता है एएसपी एक्सटेंडेड का 7.1 ऑफिशियल रोम और 5 अप्रैल लेटेस्ट जो कि 5 अप्रैल 2020 की सिक्योरिटी पैच मिल जाती है और एक्सटेंडेड कर्नल जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है और साथ साथ वीडियो कॉलिंग जो थी उसका भी बग जो था उसको फिक्स कर दिया गया, तो वीडियो कॉलिंग भी जो है यहाँ पे वर्क कर रही है तो आप यूज़ कर पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैनुअल जो कि डिफ़ॉल्ट हमें कैमरा देखने को मिलता है MIUI के देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है और साथ साथ वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है 1080 60 फ्रेम एंड 4K 30 फ्रेम मिल जाती है। एंड GCam जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल 7.3 अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल GCam है जिसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट 5 प्रो में यहाँ पे जो है स्लो मोशन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आप यहाँ पे स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर पाओगे इस कैमरे में। अगर आपको बाकी अदर डिवाइस में इंस्टॉल करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसकी। एंड बात करते हैं हमारा FM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। म्यूजिक प्लेयर थर्ड पार्टी आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है एक्स का जो कि वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप यहाँ पे इसके लेटेस्ट वॉलपेपर हो गए और बाकी ऑल जितने भी वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे गूगल का कीबोर्ड जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है जिसमें आप इसकी सेटिंग्स में जा करके थीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग थीम्स आपको यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हैं। एंड टॉगल्स की बात करें तो टॉगल्स आपको ये सारे टॉगल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे टॉगल्स हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। और साथ साथ थ्री डॉट्स पे आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाती है जो कि कॉलम सेटिंग्स, यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कॉलम्स को। और यहाँ पे बात करते हैं YouTube का जो बग था, ग्लिच था, लैगिंग इशू था उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। और साथ साथ WhatsApp हो गया या WhatsApp से अदर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते थे उन सब में फ्रीज होने का इशूज था, कि फ्रीज हो जाता था ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ रही थी, तो वो भी जो है इस अपडेट में यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो अब आपको फ्रीजिंग इशूज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, वो चीज़ यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बात करते हैं जो कि हमारी सेटिंग्स है जिसके अंदर आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट और वाईफाई जो है बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर, हॉटस्पॉट इश्यूज भी थे वो यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा प्रॉब्लम। एंड एक्सटेंशन के अंदर अगर आप चाहते हो तो स्टेटस बार आइटम जो है देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे। और क्लॉक सेटिंग मिल जाता है, बैटरी बार देखने को मिल जाता है, ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है स्टेटस बार में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये हमारा काम कर रहे हैं। और साथ साथ कैरियर लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मिस एक्सटेंशन के अंदर अगर आप चलते हो तो AX का लोगो देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल करते समय फर्स्ट टाइम जो है सिस्टम UI स्टार्ट होती है उसके बाद जो है ये यहाँ पे इनेबल हो जाता है, तो इनेबल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो है ये काम कर रहे हैं। बोल्टी आइकन आपको मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड स्टेटस बार के ब्राइटनेस कंट्रोल भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड बात करते हैं QoS पैनल का, तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स मिल जाती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे एडिट आइकन का भी मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल बॉटम्स मिल जाता है। और नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे स्मार्ट पुल डाउन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एनिमेशन स्टाइल भी नीचे देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशंस की बात करें किल ऐप बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है और नीचे आपको इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं नेविगेशन बार के, तो नेविगेशन बार आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार मिल जाता है, तभी फुल स्क्रीन जेस्चर में यूज़ करें इसकी वजह से जो है इनेबल नहीं है, तो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन UI आपको देखने को मिल जाती है जो कि नीचे आपको लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो भी देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं सिस्टम की, तो यहाँ पे जनरल ट्विक्स के अंदर आपको यहाँ पे टॉस्ट ऐप आइकन मिल जाता है, थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट वर्क कर रहा है। बटन्स के अंदर अगर आप जाते हो तो पावर मेन्यू में आपको एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है और म्यूजिक कंट्रोल नीचे देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा बैटरी, तो बैटरी चार्जिंग लाइट जो है देखने को यहाँ पे हमें मिल जाती है जो कि बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी सेवर, एडेप्टिव बैटरी एंड बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर हम बात करें तो 2 घंटे फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 69% बैटरी आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाली है। अगर आप डेली लाइफ में नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको और भी इससे भी ज़्यादा बैटरी बैकअप अच्छी देखने को मिलेगी।
और बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर हमारा यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल नहीं रहता, प्ले स्टोर से आप कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन जो ऑप्शन दिया गया है, ऑलवेज ऑन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ऑलवेज ऑन वर्किंग है एंड एट अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, और डबल टैप टू बैक काम कर रहा है हमारा, एंड यहाँ पे डिवाइस थीम आपको मिल जाता है, एसेंट कलर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बिल्कुल ऐसे तरीके से। एंड साउंड्स की अगर हम बात करें, तो साउंड्स के अंदर आपको यहाँ पे अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको MI साउंड एनहांसर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो कि सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर अगर आप जाओगे तो फेस अनलॉक फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलता, नेक्स्ट अपडेट तक जो है आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट की अगर बात करें, तो फिंगरप्रिंट जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है। वन टैप इशूज जैसे कि एंड्रॉइड 10 सभी रोम में देखने को मिलता है, उस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी फिंगरप्रिंट जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इसकी सेटिंग्स की बात करें, तो ये हमारी सेटिंग्स है जो कि स्क्रीन लॉक सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, और स्मार्ट लॉक सेटिंग्स के अंदर आपको ये तीन ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और बात करते हैं डिजिटल वेलबिंग का, तो सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ जो कि देख सकते हो सारे की सारी। तो यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जेस्चर, जिसके अंदर जंप टू कैमरा एंड सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, जो कि सिस्टम नेविगेशन की सेंसिटिविटी भी मिल जाती है। टू बटन नेविगेशन जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, तो तुरंत इनेबल करने के बाद अगर आप यूज़ करोगे तो काम नहीं करता, उसके कुछ सेकंड बाद अगर आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल स्मूथ जो है ये काम करता है। और यहाँ पे हमारा थ्री बटन नेविगेशन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थ्री बटन नेविगेशन भी जो है हमारा बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। यहाँ पे कोई लैग या कोई ऐसा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे तरीके से जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है। और यहाँ पे रिंगिंग के लिए मिल जाता है नीचे, एंड नीचे अगर आप आओगे तो सिस्टम अपडेटर भी इसका देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। और N22 बेंचमार्क स्कोर की बात करें, तो 137,873 आपको N22 बेंचमार्क स्कोर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और पबजी की अगर हम बात करें, तो पबजी का जो ग्राफिक है हमें यहाँ पे HD तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और फ्रेम रेट जो है हाई का मिल जाता है। मैं यहाँ पे स्मूथ और हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला हूँ, और आपको अगर बता दूँ तो पबजी जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। फिलहाल कोई भी दिक्कत मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही, बिल्कुल अच्छे तरीके जो है यहाँ पे पबजी हमारा चल रहा है, तो बिना किसी लैग के आप जो है यहाँ पे खेल पाओगे। तो बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि डेली लाइफ में नॉर्मल यूज करोगे तो जैसा मैं बैटरी बैकअप बताया हूं, मैं फुल ब्राइटनेस पे जो है प्ले किया था वीडियो, और डेली लाइफ में नॉर्मल अगर आप यूज करोगे तो आपको खुद सोचना है कि वहां पे जो है आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी बैटरी बैकअप। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे बैटरी बैकअप एंड गेमिंग के लिए दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा रोम है। यहाँ पे बैटरी बैकअप भी आपको अच्छी मिल जाती है, और साथ साथ गेम भी जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई भी इशू ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है गेम भी खेल पाओगे, तो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे खेल पाओगे। इसके दो आते हैं रोम्स, जो कि एक GF के साथ आता है, एक विदाउट GF आता है, जिसको तो दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से प्लस कर लेना, तो बिल्कुल ईजी। और इंस्टॉलेशन तो आपको पता ही होगा, अगर आप किसी इशू को दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और आज की वीडियो में बस यही सारी चीज़ थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।